नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू को फिल्मों में मां की शानदार भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की साथिन माँ हो या वास्तव की कठोर माँ हो या फिर ये दिल लगी की मालकीना माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की माँ भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने माँ को जीवंत किरदार निभाया। आज ही के दिन 1958 में उनका जन्म हुआ था। रीमा लागू का जन्म 3 फरवरी सन 1958 को बंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गुरिंदर भादबाड़े था। वे जानी मानी मराठी अभिनेत्री मंदाकिनी भादबाड़े की बेटी थी। उनकी अभिनय की काबिलियत तब सामने आई जब वे पुणे के हुजूरपागा HHCP हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। प्रोफेशनल तौर पर अभिनय करने के लिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। रीमा का विवाह मराठी अभिनेता विवेक लागू से हुआ था। विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम रीमा लागू रख दिया था। रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली रीमा ने हिंदी की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनको हिंदी फिल्मों में मां की शानदार भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। बॉलीवुड में उनका सितारा फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां के किरदार से चमका। रीमा अंत समय तक अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय थी। अपने अंतिम दिनों में वह स्टार प्लस के धारावाहिक नामकरण में काम कर रही थी। इसके अलावा वे रंगमंच और विज्ञापन फिल्मों में भी काम कर रही थी। वैसे तो रीमा लागू ने अपना अभिनय का सफर रंगमंच से शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते वह बॉलीवुड की चहेती माँ बन गई। बॉलीवुड की अक्सर दया का पात्र जैसी दिखने वाली माँ से अलग रीमा लागू ने अपने किरदारों में हमेशा एक अलग अंदाज रखा। सिर्फ फिल्म वास्तव ही नहीं, उन्होंने अपने माँ के हर किरदार को हमेशा पारंपरिक माँ की छवि से अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल रखा। रीमा लागू को अपने किरदारों के लिए 4 फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप ने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की थी। उसके बाद 2 तक वे यहाँ वहाँ अध्यापन भी कार्य करते रहे। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। आज ही के दिन 1978 में उनका निधन हुआ था। गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 5 जून 1901 को केरल के नैतोट नामक स्थान पर हुआ था। अपने मामा गोविंद के नाम पर ही उनका नाम गोविंद शंकर कुरूप पड़ा। परिवार में वंश परंपरा मातृकुल से चलने की प्रथा होने के कारण इनका नाम कुल नाम भी कुरूप हुआ। संयोग से उन्हीं दिनों नैतोट में एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई। बालक कुरूप को वहां भर्ती कर दिया गया। गोविंद शंकर ने वहां जाकर अनुभव किया कि प्राकृतिक दृश्य छवियों को देखकर उनके भीतर स्वतः स्फूर्त अरूप और विचित्र सा आलोडन होता है, जिसका अब उन्हें ज्ञान होने लगा था। गोविंद शंकर के जीवन में 2 घटनाएं भी उसी समय घटी जो यूं तो सामान्य थी, पर कवि शंकर कुरूप की काव्य चेतना के प्रथम अंकुर फूटने में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध हुई। एक थी उस युग के वरिष्ठ मलयालम कवि कुंजीकुट्टन तंपुरान का नायतोट आना और दूसरी थी नौका से तोट्टवाय दिवाले जाते हुए उगते सूर्य के प्रथम स्पर्श से लहरियों के नर्तन का दर्शन। बचपन में ही गोविंद शंकर के पिता की आशीष छाया सिर से उठ जाने के बाद उनकी देखरेख और शिक्षा आदि का दायित्व उनके मामा गोविंद कुरूप ने निभाया। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।